हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे इस नई वीडियो में। आज का वीडियो है डिशवॉशर कैटेगरी से रिलेटेड। आज मैं बात करूंगा सैमसंग के न्यूली लॉन्च फ्री स्टैंडिंग डिशवॉशर के बारे में। कैसा ये डिशवॉशर है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके प्रोग्रामिंग्स है, ये सब चीज़ें मैं आपको अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिशवॉशर के ओवरव्यू के बारे में। फ्री स्टैंडिंग कैटेगरी से मॉडल आपको देखने को मिलता है। फ्री स्टैंडिंग का मतलब इस डिशवॉशर को आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं जहां पर आपके पास स्पेस अवेलेबल हो। 13 पेस सेटिंग के साथ आपको मॉडल मिलता है। 13 पेस का मतलब है कि जो 13% मील कंज्यूम करते हुए जो यूटेंसिल्स वो यूज कर रहे हैं, आप एट अ टाइम उन सारे यूटेंसिल्स को अपने डिशवॉशर के अंदर आप वॉश कर सकते हैं। मॉडल नंबर इसका है DW60M5043FS। इसके फिनिशिंग की बात करें तो स्टेनलेस स्टील लुक के साथ आपको ये मॉडल देखने को मिलेगा। फिंगरप्रिंट असिस्टेंट इसका जो फिनिश होता है, सो डिशवॉशर को यूज करते हुए फिंगरप्रिंट्स के निशान आपको डिशवॉशर के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। कंट्री वर्जन की बात करें तो मेड इन चाइना का ये डिशवॉशर है, तो इंपोर्टेड मॉडल है। एंड इसका मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 51,990 का इसका MRP है। बाकी बेस्ट प्राइसिंग के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक भी आप चेक कर सकते हैं। आप चाहो तो वहाँ से भी इस डिशवॉशर को परचेस कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं डिशवॉशर के इंटीरियर की। डिशवॉशर के अंदर आपको दो बास्केट देखने को मिलती है, अपर बास्केट लोअर बास्केट। इसका लोअर बास्केट के अंदर आप जितना भी आपका हैवीली सॉइल डिशेज है लाइक कुकर, कढ़ाई, पतीले, भगोने, पॉट, पैंस वगैरह, वो सारा यूटेंसिल्स आप इस लोअर वाली बास्केट में रख के आप इजीली उनको वॉश कर सकते हैं। एंड इसके अपर वाले बास्केट के अंदर आप अपने स्मॉल यूटेंसिल्स को आप इजीली प्लेस कर सकते हैं लाइक कप, बॉल्स, ग्लासेस, वाइन ग्लासेस वगैरह। एंड इसकी अपर वाले बास्केट का आप हाइट भी आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें पुल एंड पुश मैकेनिज्म आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट पूरा ट्रे निकाल के आप उसको सेकंड वाले चैनल पे इंसर्ट करके उसको हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। एंड सेपरेट कटलेरी बॉक्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो जितना भी कटलेरी आप इजीली इस बॉक्स के अंदर आप प्लेस कर सकते हैं। 2 रोटेटिंग नोजल स्प्रे आर्म इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी हेल्प से जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है डिशवॉशर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। सॉल्ट कंटेनर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक पैकेट सॉल्ट आप इसके अंदर पूरा फिल कर सकते हैं। सॉल्ट बेसिकली काम आता है वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए। वॉशिंग के लिए डिटर्जेंट पाउडर कंटेनर एंड टैबलेट कंटेनर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो डिटर्जेंट पाउडर एंड टैबलेट दोनों चीज़ों का यूज़ करके आप अपने डिशवॉशर को यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपको रिंसेड लिक्विड कंटेनर भी देखने को मिलता है, जिसमें सारा लिक्विड आप इसमें फिल कर सकते हैं। जब ये लिक्विड ख़त्म हो जाएगा तो डिशवॉशर आपको इंडिकेट करेगा, आपको उसको दोबारा रिफिल करना पड़ेगा। रिंसेड लिक्विड बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं शाइनिंग, पॉलिशिंग एंड ड्राइंग के, तो जितने भी आपके यूटेंसिल्स होंगे वो वेल पॉलिश होके आएंगे और ड्राई होके आएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिंसेड लिक्विड। वाटर सॉफ्टनर का फीचर आपको इस डिशवॉशर के अंदर इनबिल्ट देखने को मिलेगा, तो अगर आपके एरिया में हार्ड वाटर है तो इजीली आप इस डिशवॉशर को यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका जो टोटल कैविटी मिलेगा अंदर का, वो स्टेनलेस स्टील का कैविटी मिलेगा, जिसके हेल्प से वॉशिंग एंड ड्राइंग के रिजल्ट्स आपको और ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। तो एक बार देख लेते हैं डिशवॉशर आपको कैसा दिखता है। देन हम बात करते हैं डिशवॉशर के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में। इंटेंसिव वॉश 70 डिग्री विद ट्रिपल रिंस, ये फीचर आपको डिशवॉशर के अंदर देखने को मिल जाता है, जिसमें डिशवॉशर 70 डिग्री हॉट वाटर में प्रॉपर क्लीनिंग आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये फीचर डिज़ाइन किया गया है आपके हैवीली सॉइल डिशेज के लिए, जितने भी आपके बड़े गंदे बर्तन होते हैं। एंड जनरली डिशवॉशर के अंदर आपने देखा है कि 2 रिंस के साइकिल आपको देखने को मिलते हैं, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा हॉट वाटर रिंस का साइकिल देखने को मिलेगा, जो इंश्योर करता है कि जो भी आपकी डिशेज हो वो स्पार्कलिंग निकले और हाइजीनिकली क्लीन निकले। सेकंड फीचर आपको मिलता है इसमें ऑटो ओपन टू ड्राई का। इस डिशवॉशर के अंदर जो आपको ड्राइंग सिस्टम मिलता है, वो कंडेंसिंग ड्राइंग सिस्टम के साथ साथ ऑटो डोर ओपन का फीचर देखने को मिलता है।
डिशवॉशर का जब फाइनल रिंसिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसका डोर ऑटोमेटिकली 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है ताकि जो स्टीम है वो एस्केप हो सके। इसकी हेल्प से जो प्लास्टिक के यूटेंसिल्स है वो आपको और ज़्यादा बेटर वे में ड्राइंग देखने को मिलेगा, प्लस जो स्मॉल यूटेंसिल्स है जो प्रॉपर तरीके से ड्राई नहीं हो पाता है तो वो भी आपको और अच्छे से ड्राई इसमें देखने को मिल जाएगा। देन थर्ड फीचर आपको मिलता है इसमें हाइजीनिकली क्लींस का, तो एक्स्ट्रा हाइजीन का फीचर आपको इस डिशवॉशर के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड इस ऑप्शन को आप वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। इसमें डिशवॉशर फाइनल रिंसिंग को एक्सटेंड करता है एंड टेम्परेचर मेंटेन करता है 70 डिग्री का, जिसकी हेल्प से जो यूटेंसिल्स के अंदर आपको डीपर क्लीनिंग देखने को मिलेगी एंड जितना भी जर्म्स एंड बैक्टीरिया है वो 99.99% आपको किल देखने को मिलेगा। सो बेसिकली ये फीचर रिकमेंडेड है उन यूटेंसिल्स के लिए जिनको हमें स्लाइस करने का ज़रूरत पड़ता है। बेबीज़ के यूटेंसिल्स हो गए, बेबीज़ की मिल्क की बॉटल्स हो गई, उन सबको आप इस प्रोग्राम के हेल्प से प्रॉपर तरीके से उन्हें आप वॉश कर सकते हैं। एंड ये वाला जो फीचर है ये वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड है इंटरटेक के द्वारा। देन फोर्थ फीचर आपको इसमें मिलता है स्टेनलेस स्टील ड्यूरेबल टब। इस डिशवॉशर के अंदर जो पूरा कैविटी एंड पूरा टब देखने को मिलता है वो स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है। स्टील टब होने की वजह से डिशवॉशर अंदर से आपको हमेशा नया देखने को मिलेगा एंड ये स्टेनलेस स्टील का टब आपको ज़्यादा ड्यूरेबल, ज़्यादा क्वाइटर और हमेशा आपको क्लीन देखने को मिलेगा नॉर्मल फाइबर टब के कंपेरेटिवली। एंड स्टील टब की वजह से जो डिशवॉशर का नॉइस लेवल है वो कम देखने को मिलता है एंड स्टील जो है और ज़्यादा हायर टेम्परेचर को हैंडल कर सकता है। स्टील के टब होने की वजह से जो समय के साथ उसका कलर चेंज होने का चांसेस भी नहीं रहता, प्लस बैड ऑर्डर का भी कोई इसमें शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। देन फिफ्थ फीचर आपको मिलता है इसमें फिंगरप्रिंट रेसिस्टेंट फिनिश का। डिशवॉशर का जो फिनिश है वो इस तरीके का है कि अगर आप इसमें टच करते हैं तो फिंगरप्रिंट के निशान आपको डिशवॉशर के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे, तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है डिशवॉशर को यूज़ करना। एंड सिक्स फीचर आपको मिलता है इसमें इंट्यूटिवली मॉनिटर का, यानी कि वाइड LED डिस्प्ले पैनल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो डिशवॉशर के सारे कंट्रोल्स एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस कंट्रोल पैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। देन नेक्स्ट फीचर आपको इसमें देखने को मिलता है हाफ लोड का। अगर आपके पास कम क्वांटिटी में बर्तन है और आप चाहते हैं कि आपका डिशवॉशर अपनी फुल एफिशिएंसी से वर्क ना करे तो हाफ लोड को आप चूज़ कर सकते हो। अपर एंड लोअर दोनों में से कोई भी एक ट्रे को आप चूज़ करके यूटेंसिल्स में लोड करके आप हाफ लोड को वॉशिंग प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हो। इसको एड ऑन करते ही जो आपका डिशवॉशर है वो टाइम, एनर्जी, वाटर तीनों चीज़ें सेव करता है। एट फीचर आपको मिलता है इसमें लीकेज सेंसर का। डिशवॉशर को अगर हल्का सा भी लीकेज मिलता है तो इमिडिएटली साइकिल को स्टॉप करके वाटर को ड्रेन आउट करके डिस्प्ले में आपको एरर शो करेगा। देन आप सर्विस पर्सन के थ्रू आप उसको चेक करा के उसको सही करा सकते हैं। देन हम बात करते हैं डिशवॉशर के वॉशिंग प्रोग्राम्स की। टोटल 5 वॉशिंग प्रोग्राम्स इस डिशवॉशर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए एक बार डिटेल में उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें इंटेंसिव 70 का। ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया आपके हैवीली सॉइल डिशेज के लिए, कुकर, कढ़ाई, पॉट, पैंस। 3 घंटे 40 मिनट का इसका टोटल टाइमिंग रहता है एंड इस प्रोग्रामिंग के अंदर जो डिशवॉशर प्री वॉश करेगा वो 50 डिग्री टेम्परेचर में करेगा, देन मेन वॉश 65 डिग्री। 2 बार मशीन नॉर्मल वाटर से रिंस करती है, देन फाइनल रिंस ये 70 डिग्री हॉट वाटर में करती है। ड्राइंग इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी एंड इस प्रोग्रामिंग का जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है वो 1.69 किलोवाट आवर का है। वाटर कंजम्पशन 18.2 लीटर का इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एंड हाफ लोड का फीचर आप इस प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं। इसको एड ऑन करते ही जो डिशवॉशर का टाइमिंग होता है वो 2 घंटे 13 मिनट का रह जाता है। हाइजीन वॉश का भी इसके अंदर साथ फीचर एड ऑन कर सकते हो, तो 4 घंटा 7 मिनट का टाइमिंग हाइजीन वॉश के साथ इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें नॉर्मल का। तो जितने भी आपके मिक्स सॉइल डिशेज हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर आप उसे इजीली वॉश कर सकते हैं। 2 घंटे 55 मिनट का इसका टोटल टाइमिंग रहता है। इस प्रोग्रामिंग के अंदर डिशवॉशर 45 डिग्री सेल्सियस में प्री रिंस करता है, 55 डिग्री सेल्सियस में वॉश। 2 बार रिंस करने के बाद जो उसका फाइनल रिंस होता है वो 60 डिग्री टेम्परेचर में होता है, देन यूटेंसिल्स आपको कम्प्लीटली ड्राई देखने को मिलेंगे। 1.24 किलोवाट आर एनर्जी कंजम्पशन इस प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा एंड 18.7 लीटर का वाटर कंजम्पशन रहता है। हाफ लोड का ऑप्शन आप इस प्रोग्राम में एड ऑन कर सकते हैं, जिसके बाद जो टोटल टाइमिंग रहेगा वो 2 घंटा 15 मिनट का रह जाएगा एंड हाइजीन वॉश भी इसके अंदर आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसमें टाइमिंग आपका 3 घंटा 17 मिनट का देखने को मिलेगा। देन थर्ड प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें इको का। ये बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम है। अगर आपके पास समय है बर्तन धोने का और आप चाहते हैं कि आपका डिशवॉशर पावर सेव करे तो इस वाले प्रोग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं। तो सभी तरह के मिक्स लोड यूटेंसिल्स आप इस प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। 3 घंटा 18 मिनट का टोटल टाइमिंग रहेगा इस प्रोग्राम का एंड डिशवॉशर इस प्रोग्रामिंग में 50 डिग्री टेम्परेचर में वॉश करेगा, नॉर्मल वाटर से रिंस करेगा, देन सेकेंड रिंस जो है 50 डिग्री टेम्परेचर के साथ करेगा, देन कंप्लीट ड्राई यूटेंसिल्स आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिल जाएंगे।
1.039 किलोवाट आर का एनर्जी कंजम्पशन इस प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा एंड 12 लीटर का वाटर कंजम्पशन इस प्रोग्रामिंग में आपको रहेगा एंड हाफ लोड का वॉश ऑप्शन आप इस प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं जिसके बाद टाइमिंग आपका 2 घंटा 25 मिनट का हो जाएगा एंड हाइजीन वॉश का भी फीचर इसमें आप एक्टिवेट कर सकते हैं जिसमें टोटल टाइमिंग रहेगा 3 घंटा 34 मिनट का। देन फोर्थ प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें एक्सप्रेस का, ये बेसिकली रैपिड प्रोग्राम है तो जितने भी आपके डेली यूज टेबल वेयर यूटेंसिल्स होते हैं नॉर्मली सॉइल्ड उनको आप प्रॉपर तरीके से इस प्रोग्रामिंग के अंदर वॉश कर सकते हैं। टोटल 1 घंटे का टाइमिंग इस प्रोग्राम का रहता है एंड इस प्रोग्रामिंग में डिशवाशर 55 डिग्री टेम्परेचर में वॉश करता है देन नॉर्मल वाटर में रिंस करता है देन सेकेंड रिंस 50 डिग्री टेम्परेचर में करके प्रॉपर तरीके से ड्राइंग रिजल्ट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। 0.78 किलोवाट आर का इसका एनर्जी कंजम्पशन देखने को मिलेगा एंड वाटर कंजम्पशन इसमें आपका 11.4 लीटर का देखने को मिल जाएगा। हाफ लोड का फीचर आप इस प्रोग्राम के साथ एड ऑन कर सकते हैं जिसके बाद टाइमिंग इसका 50 मिनट का रह जाता है। हाइजीन का भी फीचर इसके अंदर आप एक्टिवेट कर सकते हैं जिसके बाद टाइमिंग इसका 1 घंटा 38 मिनट का हो जाता है। देन लास्ट प्रोग्राम आपको मिलता है इसमें डेलीकेट्स का, तो जितने भी आपके लाइटली सॉइल डिशेज होते हैं, क्रॉकरी, आपके वाइन ग्लासेस हैं या फिर आपका फ्रजाइल ग्लासेस है, वो सारा यूटेंसिल्स आप इस प्रोग्राम के अंदर आप इजीली वॉश कर सकते हैं। 2 घंटे का टोटल टाइमिंग आपको इस प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलता है। डिशवॉशर इस प्रोग्राम के अंदर प्री वॉश करेगा 40 डिग्री टेम्परेचर में, देन मेन वॉश करेगा 50 डिग्री टेम्परेचर में, नॉर्मल वाटर से रिंस करेगा, देन सेकेंड रिंस इसका 50 डिग्री टेम्परेचर में होगा, देन फाइनल आपको ड्राई यूटेंसिल्स में देखने को मिल जाएंगे। 0.090 किलोवाट आर का इसका एनर्जी कंजप्शन है एंड वाटर कंजप्शन इसका 15.2 लीटर का देखने को मिलेगा। हाफ लोड का वॉश ऑप्शन इसके साथ आप एड ऑन कर सकते हैं जिसके बाद टाइमिंग इसका 1 घंटा 35 मिनट का रह जाता है एंड हाइजीन का फीचर इसके अंदर आप एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये प्रोग्राम बेसिकली डिज़ाइन किया गया आपके डेलीकेट्स, क्रॉकरी या यूटेंसिल्स के लिए। देन हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले इंडिकेटर्स के बारे में। प्रोग्राम रिमेनिंग टाइम इंडिकेटर्स के अंदर आपको देखने का मिलेगा, तो प्रोग्रामिंग का जो भी टाइमिंग है वो आपका डिस्प्ले में शो करेगा। सॉल्ट रिफिल इंडिकेटर देखने को मिलेगा, सॉल्ट जब खत्म हो जाएगा तो मशीन आपको इंडिकेट करेगी तो आपको उसको दोबारा रिफिल करना पड़ेगा। रिंसेड लिक्विड इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा, तो रिंसेड का लिक्विड जब खत्म हो जाएगा तो भी मशीन आपको इंडिकेट करेगी। टाइम डिले का फीचर आपको इस डिशवाशर के अंदर देखने को मिलेगा, तो 1 घंटे से 24 घंटे तक का डिले टाइम आप सेट करके डिशवाशर को अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल लॉक का आपको सिस्टम इसमें देखने को मिलेगा, तो उसके जो कंट्रोल पैनल को आप लॉक कर सकते हैं ताकि कोई बच्चा इसको डिस्टर्ब ना कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिशवाशर के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो 13 प्लेस सेटिंग के साथ आपको ये डिशवाशर देखने को मिलता है। 13 प्लेस का मतलब कि 13% के मील के यूटेंसिल्स आप एक बारी में इस डिशवाशर में वॉश कर सकते हैं। इसकी डायमेंशंस की बात करूं तो हाइट इसका 84.5 सेंटीमीटर का, विड्थ इसका 60 सेंटीमीटर का एंड डेप्थ इसका 60 सेंटीमीटर का देखने को मिल जाएगा। नॉइस लेवल इसके अंदर आपको 52 डेसिबल देखने को मिलेगा एंड डिशवाशर का जो नेट वेट है वो 41.5 केजी का आपको देखने को मिलेगा। डिशवाशर के अंदर जो आपको इनबिल्ट हीटर देखने को मिलता है, उस हीटर का जो यूजेस है वो 1760 से लेके 2100 वाट के बीच में देखने को मिलेगा। इस डिशवाशर की एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग की बात करें तो A+ रेटिंग के साथ आपको डिशवाशर देखने को मिलेगा। पावर कंजम्पशन इस डिशवाशर का 1.039 किलोवाट आर पर साइकिल का देखने को मिलता है एंड वाटर कंजम्पशन इसका 12 लीटर का है, बट ये दोनों चीज़ें डिपेंड करेंगी प्रोग्राम टू प्रोग्राम, ऑप्शन टू ऑप्शन। एंड ड्राइंग सिस्टम की बात करें तो कंडेंस ड्राइंग सिस्टम के साथ साथ ऑटो डोर ओपन का ड्राइंग सिस्टम इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो जो ड्राइंग का क्वालिटी है और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। देन हम बात करते हैं इस डिशवाशर के इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट के बारे में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं इस डिशवाशर को इंस्टॉल करने के लिए। नॉर्मल वाटर टैप कनेक्शन इसके लिए रिक्वायर्ड होगा आपका 1.5 इंची का इसके इनलेट को कनेक्ट करने के लिए एंड 16 एम्पियर का पावर प्लग का रिक्वायरमेंट होगा डिशवाशर को ऑन करने के लिए। एक आपको ड्रेन होस का रिक्वायरमेंट रहेगा जहां पर आपका ड्रेन का पाइप इजीली प्लेस हो जाए एंड वाटर प्रेशर की बात करो तो 0.4 बार से लेके 10 बार के बीच में ये डिशवाशर वर्क करता है। अगर इससे कम या ज़्यादा है तो दोनों ही केस में आपको वाटर प्रेशर पंप का यूज़ करना पड़ेगा एंड वाटर का प्रेशर आप मैनुअली भी आप चेक कर सकते हैं। आप 1 मिनट के अंदर अपने टैप को ओपन कीजिए, उसके नीचे एक बकेट रख दीजिए, अगर 1 मिनट के अंदर वो आपका 10 लीटर का बकेट आपका भर जाता है तो इसका मतलब डिशवाशर आपका वहाँ पर इजीली वर्क कर देता है। ये वाटर हार्डनेस का सेटिंग का चार्ट है जो अपने डिशवाशर के अंदर आप सेटिंग्स कर सकते हो आपके अपने एरिए में वाटर की हार्डनेस के अकॉर्डिंग। H1 से लेके S6 तक की सेटिंग्स आप कर सकते हो, तो आपका जितना हार्ड वाटर है उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग को सेट करके डिशवाशर को वहाँ पर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। देन लास्ट में हम बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की वारंटी के बारे में। तो टोटल 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा आप कस्टमर केयर के थ्रू आप उसको चेक करा सकते हैं।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन फ्यूचर इस तरह की मैं और भी वीडियोस लेके आता रहूँगा। और इस सैमसंग डिशवॉशर कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देने का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।